Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A-Sports. Knock, 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 knock. Are you ready? The Knock Knock Show. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नॉक नॉक शो। भाई बहुत जल्दी है, हर काम में जल्दी ही जल्दी है। बस जल्दी से पैदा हो, जल्दी से बड़े हो जाओ, जल्दी से पढ़ वढ़ लो, डिग्री विग्री ले लो और जल्दी से शादी करो, और अगर भंड हो जाए तो जल्दी से तलाक भी ले लो। बहुत जल्दी है भाई। और हमारे काम में, जो हमारा मीडिया का काम है, इसमें भी बहुत जल्दी है। आज जो मेहमान हमारे शो में हैं, वो ना सिर्फ उनका काम देखा जाता है बल्कि इंस्टीट्यूट्स में अब तो पढ़ाया जाता है। खुद में एक इंस्टीट्यूट है और ठहराव, कमाल ठहराव है। आई विश कि वो ठहराव, वो समझ, वो परफॉर्मेंस, वो अदायगी हम सब परफॉर्म कर सकें वैसा। आर यू एक्साइटेड फॉर द गेस्ट? नॉक नॉक, आवर बिलव्ड सानिया सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर, यू लुक सो नाइस। थैंक यू सो मच। खूबसूरत साड़ी। आज मैंने सोचा तुम्हारे शो में थोड़ी तैयार होकर रहो। अब मैं रिसेंटली, मुझे एक दौरा पड़ा, मैं तैयार होना शुरू कर रही हूं। व्हाई नॉट, हां क्यों नहीं। आई हैव टाइम नाउ, बट आई डिडंट हैव टाइम। तो ये अब वक्त क्यों है इतना? आई थिंक काम मैं कम करती हूं ना, लाइक टेलीविजन सीरियल्स टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। और क्या वजह है कि क्यों कम क्यों करना है? कहानियाँ और जो हम लोग के एज ब्रैकेट के कैरेक्टर्स हैं, जबकि जिस एज ब्रैकेट की बात हो रही है अब जब तो काम शुरू करना होता है। हालांकि अब तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आना शुरू हुआ है जी। अब जब समझ में आना शुरू हुआ है तो आप कह रहे नहीं आपकी कहानी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस उम्र के इंसानों के पास सबसे ज्यादा कहानियां होती हैं। सारा एक्सपीरियंस तो अब आया, बहुत बड़ा चंक एक्सपीरियंस का तो इस वक्त होता है। और इस वक्त आप हमसे कहते हैं नहीं नहीं आपका तो जो जवानी के किरदार होते हैं उनका एक अलग क्या कहना चाहिए, उसकी डायनामिक्स होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कि उनकी कहानी नहीं सुनाना चाहिए, मतलब मैंने सारी जिंदगी जवानी की कहानी सुनाई है जवान लोगों की, या और जवानी में बूढ़े लोगों की भी। तो अब वो कहते हैं कि नहीं ये कहाँ, ये एज ग्रुप ही इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इतनी अनइम्पोर्टेंट है कि उस कहानी में उसका नाम भी नहीं होता कोई। लेकिन मर्दों के साथ तो नहीं हो रहा है एक्चुअली? अगर देखो तो ज्यादातर मर्दों के साथ भी हो रहा है। इट्स ओनली फ्यू, मेरी शायद जनरेशन के एक्टर्स की बात कर रहे हो। मतलब इतने सारे प्लेज में से कितने प्लेज हैं? फैसल है, फैसल मैं तो ले सकता हूँ। हुमायूं, बट हुमायूं इज नॉट प्लेइंग द एज। आई पता नहीं क्यों बेचारे को हमेशा, मुझे हमेशा उसका एग्जांपल क्यों देते हैं सईद होने की वजह से। हुमायूं जब सुनते हैं ना तो वो बहुत क्यूट सी एक स्माइल देता है, तो कहता है यार यही तो मजा है, बोलो। तो ही टेक्स दिस सो वेल। नहीं मुझे पता नहीं क्यों उसका एग्जांपल। अच्छा आप नहीं, पर अदनान, हालांकि फैसल कुरैशी, हाँ, इन अ वे मैं भी एहसन, हाँ, हम सब तो करे, हाँ, जा रहे हैं, करे, हाँ, जा रहे हैं। लेकिन ये है ना, अच्छा, क्योंकि दिस इज रिफ्लेक्टिव ऑफ हाउ आपका माशरा कैसे देखता है खवातीन को इन जनरल लाइफ में भी। देखो ना, सो 40 के बाद से ये औरतें बस फारिग खवातीन, इनकी इनकी क्या बात। अच्छा तो अब हम ये जो हमारे दो तीन मीडियम हैं, थिएटर को चलें एक तरफ रखते हैं, अभी और भी मीडियम हो गए जिसको हम यूट्यूब कह सकते हैं, सोशल मीडिया कह सकते हैं, टिकटॉक कह सकते हैं। हाउ टू स्लोली ग्रेजुअली चेंज दिस मेंटालिटी जिसकी तरफ आपने कहा है। So, हमें बड़ी चीज़ें सीखनी है ना। मसलन जिन दोस्तों को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, जब वो हमारे आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं वो बिल्कुल सही सही बातें कर रहे होते हैं। लेकिन वो कभी किसी पॉडकास्ट पर जाते हैं वो ऐसी बोंगी मार देते हैं। Why is he saying that?
तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन अ वे हम कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ नहीं जा रहे हैं, फिर हमें तमाशा देखने की आदत हो गई। तमाशा देखने की तो हमें आदत है ही, ना सिर्फ तमाशा देखने की, हमें तमाशा बनाने की भी आदत है। ये वाला, ये जो एक प्राइंग आई है ना हमारी, क्या हो रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसने क्या पहना, किसने क्या, क्या चल रहा है, हाँ क्या, ओह वाओ, ओके, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, हाँ उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इस दौरान, हाँ तो यू नो नॉट मेरा वो, नहीं ठीक है, फेयर इनफ। लेकिन आप जब आप सेट पे एंटर होती हैं कहीं, तो वो आपका प्रोटोकॉल इतना नॉर्मल सा क्यों है, वैनिटी और ये सारी चीजें, वो क्या इम्पोर्टेंट है, वो चीज अपनाना, वो फसाद एक क्रिएट करना, कोई फायदा होता है उसका परफॉर्मेंस में, या हमने बस नॉर्मल रहना चाहिए? आई थिंक पर्सनालिटी और पर्सनल नीड्स की बात है। ओके, मेरी ये नीड नहीं है कि मुझे इतनी एक्स्ट्रा अटेंशन मिले, लेकिन मैं अभी आई हूँ, मुझे सबने इतने प्यार से सलाम किया है, इतने प्यार से सब मिले, पुराने लोग सब दरवाजे से अस्सलाम वालेकुम, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सेट पे जाती हूँ, सब बच्चे आते हैं मिलने के लिए, कोई मेरा सामान, मैं नहीं देती हूँ किसी को अपना सामान, लेकिन कोई ले लेता है मेरे हाथ से, मेरा सूटकेस भी ले लेता है, आप आ गए, और इससे ज़्यादा क्या अटेंशन चाहिए होती है किसी को, चार दफ़ा कोई आके पूछता है आप पानी ला दूँ, आप चाय, और कितनी अटेंशन चाहिए आपको, इससे ज़्यादा तो मुझे घबराहट होने लगेगी कि मैं बता दूँगी बेटा जब कुछ चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको प्रोटोकॉल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बनता नहीं है क्लेम करना कि आप आए और आप माहौल ऐसा कर दें कि जी सब, नहीं, नहीं, टेंशन आगे फैलाना आपका काम नहीं है, है ना, टेंशन ना फैलाएं, प्रोटोकॉल हर एक को मिलना चाहिए। अब जैसे कुछ सेट्स पे मैंने देखा कि जो हमारी यंग एक्टर्स थी उनको सुबह 9 बजे बुला लिया, मुझे 1 बजे का कॉल टाइम दिया, वो 9 बजे से बैठी हुई है, उसे 9 बजे क्यों बुलाया है, बिकॉज दैट कम्प्लीटली मेस्ड अप द स्केड्यूल, उनको वो देवर नॉट बीइंग एबल टू, उनको पता ही नहीं चल रहा था कौन सा सीन कब कैसे मैं काबू कैसे करूं। तो बगैर पूरा स्क्रिप्ट पढ़े आप हाँ नहीं करती? अगर बहुत मजबूरी ना हो तो नहीं। कितने फीसद स्क्रिप्ट आपके सामने होना चाहिए? 60% तो होना चाहिए, 60%, तब भी उस 40% गड़बड़ हो जाती है फिर। वैसे तो 60% बजट का पता होना चाहिए, अब तो ऐसा भी है कि वो स्क्रिप्ट और एक्टिंग तो कर ही लेंगे, ऐसा भी है? नहीं, मेरे अच्छा, मैं इतने चुनिंदा लोगों के साथ काम करती हूँ कि यू नो मतलब मैं गिन सकती हूँ उंगलियों पे मैंने किन किन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, करोड़ों रुपया मेरा लगा है, तुम लोग खामो, अरे सुन सा जिंदो, तुम लोगों की पेंटिंग बन रही है क्या, बिस्तर भी यहीं लगवा दूं मैं, शो शुरू क्यों नहीं कर रहा, अब वो लीडर का है तुम्हारा, हैं मेरे पैसों की हाई प्रोटीन डाइट कर करके हैं मुझे हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बनवा दिया तुमने, शो क्यों नहीं कर रहे भाई? सर शो कर रहा हूँ। ये उंगली इधर करके बात करो, मुझसे बात कर रहे हो? अली साहब शो कर रहा हूँ मैं, शो हार्ट अटैक हो जाएगा, इजी सांस लें जी। भाई आप ये है, आप वो है, आप दोनों है, आप क्या है, और ये कि यू आर द बेस्ट डायरेक्टर, यू आर द बेस्ट एक्टर, यू आर द बेस्ट राइटर, यू आर द बेस्ट होस्ट, बगले अगली फिल्म मेरे ही पैसों से बर्बाद कीजिएगा। अरे और क्या करें, पता है कि मीम मुस्तर का है आप दोनों का, लेकिन बाहर बहुत सारे मीम्स बन जाएंगे, क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? नहीं बोलूंगा मैं बिल्कुल नहीं कहलाना चाह रहा हूँ, मैं आपका तारुफ कराना चाह रहा हूँ। तारुफ से पहले मैं गाना गाना चाह रहा हूँ। सितारा सी तुम्हें कहते हो, वो आंखें तुम्हारी जिन्हें तुम शाख सी कहते हो, वो बाहें तुम्हारी हैं जिन्हें तुम फूल सी कहते हो, वो बातें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन। अरे मुझे यकीन तो कर लेने दे पगले। लेकिन मेरा दिल यहां नहीं भरा,
मेरे जज्बात को मैं अल्फाज का चेहरा पहनाकर आपसे मुलाकात करवाना चाहता हूँ. Whatever that meant. मैं इनके पास पहले प्लीज पिंच में ही. अरे ये तो पिंच भी इतना स्वीट कर रही है कि पता ही नहीं चल रहा. अरे भैया असली वाला प्लीज पिंच में. Oh my God. अर्ज किया है लो दिख गया है चांद आज हो गई है ईद. सालों की अदाकारी न कोई कर सका तनकीद. वाह. हर किरदार बेमिसाल ऑडियंस हुई मुरीद. थैंक यू मोहित भाई आपकी वजह से. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली सानिया सईद. इतनी खुशी. मैं तारुफ करा दूं आपको. अरे ऐसा नरम दिल कि चुटकी ना काटी गई. ऐसा नरम दिल कि इंसान ही नहीं जानवरों के राइट्स. अरे यहाँ तक के दरख्तों तक के राइट्स के लिए आप बोलती हैं. और जब बोलती हैं तो क्या बोलती हैं. आजकल की नई जनरेशन ये सोशल मीडिया के दौर में शदीद एनपी का शिकार है. एनपी नकलीपन. इस एनपी के चक्कर में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं. सो आपको चाहिए कि प्लीज एक किताब लिख डालें एज अ गाइड जो आने वाले ये जो नई जनरेशन फास्ट दौड़ में भाग रही है उनकी जिंदगी में भी थोड़ा सा ठहराव ले आए और कुछ अफाका हमारी. तो आप एक पॉडकास्ट प्रोड्यूस कर दें और सानिया कर देंगी. और अरे कर दी ना छोटी बात. मुझे सानिया से मिलेंगी करने के लिए. तो मैं दो माइक लटका दूंगा है, एक कैमरा रख दूंगा. अरे मैं ये सारी प्रॉपर्टी लगा दू. फिल्म बनाएंगे. डायरेक्टर आपने, आपको एक्टर लेंगे. जी चले एक्टर रख लिएगा. लेकिन सानिया पे हमने लेकिन उससे पहले अब वो आई गई है तो सीन तो करना पड़ेगा ना. बहुत अच्छा. As you know कि मेरे पापा की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है इन्वॉल्व है. मेरे पापा का ख्वाब तो नहीं था लेकिन मेरा ख्वाब आप पूरा कर सकते हैं मोहित भाई. बताइए मैं क्या करूं. सानिया जी सामने बैठे हैं, एक उभरता हुआ फनकार सामने खड़ा है. फनकार खड़ा है तो उसको एक सिचुएशन दे दे. मैं तो सुनया कि पंजाबी भी बहुत चंगी बोलते हैं. तो मुझे पता चला कि पंजाबी बड़ी पसंद भी करते हैं. तो क्यों ना हमें एक मेरे मरने से पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करा दे भैया. मुझे समझ में ये आया कि पंजाबी में सीन करना चाहते हैं और मैं सिचुएशन दे दूं आपको. यस हाय है मेरी पंजाबी तो बड़ी कमजोर है. तो कह रही कमजोर. आपकी पंजाबी की तरफ कौन देखेगा जैसे मेरी सेहत की तरफ कोई ना देखे. हमारी कमजोरियों को छुपा दो और हमारी उजाला करो, उजागर करो हमारी अच्छाइयों को. असल में तो फिल्म एक्टर अदाकार बनना चाहते थे लेकिन अभी वो प्रोड्यूसर हैं फिलहाल. कुछ ना कुछ देख के अच्छा प्रोजेक्ट अपने आप को भी कास्ट करना चाहते हैं तो वो एक ऑडिशन सा है अगर आपकी इजाजत हो. जी जी. तो चूंकि आप फिल्मबदी बोल लेती हैं तो हम चाहेंगे कि सर खुदा दा वास्ते इनकार ना करना. मैंने इनको होस्टिंग से निकाल देना. नहीं 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 नहीं. हमारी नौकरी मुझे बचानी होगी मोहित. प्लीज मेरी नौकरी बचा ले. तो मैं क्या वहां चली जाऊं. अरे फूल भी नहीं बिछाए, दिए भी नहीं जलाए, खुशबू भी नहीं कराई, चिरागा भी नहीं कराया. मेरी गाल सुन, हौली हो जा. बस होगी. मैं बस होगी. सिचुएशन ये है कि चांद रात है और आपका चूड़ियों का एक स्टॉल है और वो चूड़ियां खरीदने आई हैं. अब बाकी आप संभाल लें. चूड़ियां पे चूड़ियां, आप वाला चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां. आजो जी आजो, आजो बाजी तुसी भी आजो, आजो मैं के खाली आजो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. लाल रंग की चूड़ियां हैं. सिद्धा ही लाल रंग दी चूड़ियां निकाल के रेड कर तू. किथे रखी छोटे, चल. तुसी थक नहीं जानते इन्नी ओवर एक्टिंग कर करके. ये मैंने मौका देन ते मैं क्यों तो बार डायलॉग दे. मैं ना थकना वा ना अकना वा, मैंने मौका ही बड़ा घट लगता है. चूड़ियां नहीं हथकड़ियां. कच्चे हो अपने काम में, तुसी परफेक्ट नहीं हो. इस साइज छोटा है वेखो. ए वेखे छोट दियो, मेनू सार दियो, मेनू पका दियो किसे तरह. ए वेखे सोंडा ले आ भी तू मेनू सानिया सही ते मारता है यार. अल्लाह बहुत ही हो गया वो. आई 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 आज की तारीख गोल्डन कलर से लगवाई हो. आज मुझे
इस शो में सानिया सहित ने चुकस मारी है। क्या बात है भाई, तुम्हारे पैसे डबल डबल भैया डबल। ये बात, ये बात। यो 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 अली सिंह। अच्छा अब तो मेरी तेरे को गाली मुक गई है। बाकी 15 मिनट में कितने पूरे करने हैं। जब तक इनके औसान अपने हवास में आए, हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। Ejam not only as a director बल्कि मेरा बहुत फेवरेट को एक्टर भी है। असल में तो मेरे फेवरेट एक्टर है। एक्टर क्योंकि जिसने उसका थिएटर नहीं देखा उसने तो मतलब उसकी आधी एक्टिंग भी वो टेलीविजन पे नहीं करता। सही बात है। ऑब्जर्व करना। मैं एक्टर बन गया भैया। अरे मैं एक्टर बन गया भैया। एक्टर आर फर्स्ट सिद्दीकी जी के साथ मौका नहीं मिला, व्हिच इज लाइक। और ये वो खवातीन मैं आ रही थी और उन्होंने काम छोड़ दिया। ये वो खवातीन एक्टर थी जिनको आप देख रही थी। हाँ। और आप चाहती थी। हाँ। exactly. और ये वो लोग थे जिनको जिनको देख के मैंने सीखा। मेरे पास कौन सा इंस्टीट्यूट था। सही बात। वेलकम बैक टू द नॉक नॉक शो। बहुत बहुत मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट एक्टर यहाँ मौजूद हैं। मुझे बहुत पसंद है इनका काम और हमको सेलिब्रेट कर रहे हैं सानिया सिंह। इस पूरी जर्नी में अपने कोई तीन पसंदीदा राइटर्स के नाम बताइए। अपने तीन पसंदीदा राइटर्स। इमरान असलम वाज अ वेरी गुड स्क्रिप्ट राइटर। आई एग्री। इमरान और उनको वो उनके मैं बच्चों की प्लेज देखती थी जिस तरह जिस चतुराई से जिस समझदारी और अकलमंदी से वो बच्चों के मामलात और पॉलिटिकल मामलात को मिलाते थे वो। ये बात सच है। मतलब लगता था एक बच्चा बोल रहा है लेकिन वो बात बहुत बड़ी होती थी। जी, जी। अगर अपने अपने से बाद वालों में भी अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि मुस्तफ़ा बहुत अच्छा राइटर है। मुस्तफ़ा अफरीदी बहुत अच्छा राइटर है। And I'm sure I'm going to miss out somebody. चले तो अभी तो मैं तो वैसे ही पूछा है तीन जिन्होंने बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स लिखे। उनमें कमली का स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी तमाशा का स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद है। कमली में क्या वैसे परफॉर्म किया आपने यार। बहुत अलग एक्सीलेंट। मैं वो उस जोन में एकदम से चला गया। कमाल 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 एक्टिंग। अगर आप लोगों ने कमली नहीं देखी है तो मैं क्या बताऊं आपको। सानिया सहित की आपने बस जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देखनी तो आप देखें। अब बाकी तीन फेवरेट डायरेक्टर बता दें। हाँ। चलाको एहतिशाम ऑफ कोर्स एहतिशाम नॉट ओनली एज अ डायरेक्टर बल्कि मेरा बहुत फेवरेट को एक्टर भी है। असल में तो मेरे फेवरेट एक्टर है। क्योंकि जिसने उसका थिएटर नहीं देखा उसने तो मतलब उसकी आधी एक्टिंग भी वो टेलीविजन पे नहीं करता। सही बात है। एंड आई थिंक हिज बेस्ट केम आउट इन काबली प्लाव व्हिच आई वाज सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ इट। देखिए क्या परफॉर्मेंस थी। कोई ना कोई एक निजाम है कुदरत का वो जो ड्यू क्लैप होती है अप्रिसिएशन वो मिलती है। बहुत खुशी हुई मुझे। और उसकी कंसिस्टेंसी देखें आप, पेशेंस देखें, उसकी वर्सेटिलिटी देखें। मतलब वो फिल्में बनाने से जिनमें से सबसे मैं इत्तेफाक नहीं करती व्हिच इज फाइन। और यही हमारी दोस्तियों की ये खूबसूरत बात है। हम एक दूसरे को बैठ के कहते रहते क्यों बनाए भाई तुमने तुमने ये प्ले में क्यों एक्टिंग की सानो व्हाट वाज योर प्रॉब्लम। तो एहतिशाम मेरा फेवरेट डायरेक्टर भी है क्योंकि उसने असीरजादी भी डायरेक्ट किया, उसने बैतुल्लहम डायरेक्ट किया था। थिएटर में जब जब मैंने थिएटर किया वो हमेशा बहुत अरसे से साथ है। काशिफ का मेथड समझने के लिए ना आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए। लाइक आप ये सोचते रहते हैं कुछ दिन कि तो मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हैं। एज एन एक्टर तो आप सोच रहे होते हैं लेकिन आप सेट पे आप सोच रहे हैं ये मुझे कुछ नहीं बता रहे। इनके चेहरे पे तो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं है, ये ठीक नहीं हो रहा। अभी बेचारे मुझे लिहाज में ना कह नहीं रहे कुछ लेकिन वो आपको कभी जाने नहीं देंगे अगर ठीक नहीं होगा। और उनका तरीका ऐसा है, वो इन्वायरमेंट ऐसा बनाते हैं कि आप खुद ब खुद आपका किरदार खुद ब खुद निकलता है। एंड अदाकारों की बात करें तो तीसरा डायरेक्टर है हाँ, डायरेक्टर कमल खुसट।
कमल कुसर कमल की और मेरे ना फ्रीक्वेंसी क्लैश करती हैं, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है उसके साथ काम करने में। और अदाकारों की बात करें तो अभी के ऐसे अदाकार पाकिस्तान के पहले के जिनके साथ आपको काम करने का मौका ना मिला, ऐसा कोई बचा तो नहीं होगा? नहीं। उसकी एक वजह है, मैंने उज्मा गिलानी, उनके साथ मुझे दो दफा काम करने का मौका मिला। एंड शी इज योर फेवरेट। रूही जी के साथ नहीं मिला। खालदा रियासत का आखिरी प्ले मुझे उनके साथ करने का मौका मिला। सरवत अतीक के साथ मुझे मौका नहीं मिला। आरफा सिद्दीकी जी के साथ मौका नहीं मिला, विच इज लाइक। और ये वो खवातीन आ रही थी और उन्होंने काम छोड़ दिया। ये वो खवातीन एक्टर थी जिनको आप देख रही थी। हाँ। और आप चाहती थी। हाँ। exactly और ये वो लोग थे जिनको देख के मैंने सीखा। मेरे पास कौन सा इंस्टीट्यूट था? सही बात। मेरे पास तो कोई नहीं। बुशरा पाक के साथ मुझे काम करने का मौका मिल गया। बड़ी बात है, आप मान रही, वरना तो आजकल तो शफी साहब के साथ मैंने काम किया दो दफा। काम कवि साहब के साथ काम नहीं किया। कवि साहब के साथ काम नहीं किया। Which is the saddest part, because कभी आपने कवि साहब को सेट पे देखा था? सिर्फ उनको देखना ना, watching him is learning. इसीलिए मैंने कहा देखना ही काफी था। एक दफा कवि अंकल को हमने दरखास्त की कि हम एक थिएटर फेस्टिवल करें, तो उसमें एक खेल में एक किरदार बुक करें। बहुत खुशी खुशी आए और इतना प्यार, इतना दुलार, इतनी तारीफ। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको। आमीन। कमाल आदमी। सेट पे बैठे रहते थे, वो कहते थे भाई नहीं ये तो कभी कहो भी ना कि, और जैसे बच्चे बताते हैं कि हमने कहा भी कि आप कहेंगे तो हम कहेंगे ना, आप तो कुछ कह ही नहीं रहे। कह नहीं नहीं ये वक्त तो उनका है, मर्जी है उनकी, काम करें या नहीं करें। मैंने दो दफा मुझे मौका मिला, मैं खुशकिस्मत हूँ। मैंने देखा, ऑब्जर्व किया उनको, क्या पर्सनैलिटी, क्या अदाकार का डिसिप्लिन हो तो भाई कभी साथ ये बिल्कुल। और डिसिप्लिन के बगैर अदाकार 50% है, एंड आई एम बीइंग काइंड, एक्चुअली तो 20% है। न्यू लॉट में अहमद बहुत अच्छा है। अहमद अली अकबर। हाँ, अहमद अली अकबर इज रियली गुड। आई जस्ट सॉ हिज फिल्म गुंजल, अमेजिंग। यार क्या यार गुंजल मुझे देखनी है। मुझे आमना ने कहा भी था मैं देखूं। आमना इज वेरी गुड। आमना इज वेरी गुड एंड नॉट ओनली इज शी अ गुड एक्टर, उस वो बहुत समझदार चॉइसेस कर रही है। लाइक गुंजल, आमना इलियास की बात हो रही है। आमना इलियास की बात हो रही है क्योंकि जो अभी उसने थिएटर प्ले नैपा में किया, यू नो एनवायरमेंटल, क्या कहेंगे उसको, लैंड भैया 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 आ गया मैं, भैया मैं आ गया, सारी चीजें लगे जो आपने मगर भैया हमारे शो में जी। भाई आई लव यू यार, क्या बात है। कब से क्या बात है, क्या बात है, बात यह कि इतने दिन से इंतजार आज खत्म हो गया और आज सानिया सईद हमारे सेट पे, मतलब माशाल्लाह आज तो हमारे ख्वाब पूरे हो गए। ये क्या बन के घूम रहे हो भाई? भाई मैं सब कुछ भूल गया, मैं क्या बन के घूम रहा हूँ, अब तो मैं बस एक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि ये आ गई, ये सिखाएंगे मुझे एक्टर बनना। मोहिम मिर्जा जी, जरा भाई का तारुफ तो करवा। ये आप देख तो इनको लैब कोट में रही हैं और ये हाथ में पता नहीं क्या डिस्पेंसरी टाइप माहौल बने हुए। ये जो आए थे इससे पहले अली सिकंदर, हाँ। वो प्रोड्यूसर जो थे, हाँ। ये उनके बड़े भाई हैं और मैं इनका भी मुलाजिम हूं। वैसे आपके लिए ना आपकी तारीफ तो मिलती, इतनी तारीफ है माशाल्लाह दुनिया करती है। मैं इधर से जी जी शाह, खूबसूरत आंखें, प्यारा सा चेहरा, मीठे मीठे अल्फाज और खूब है इनका इखलाक, ये तो होगी इनकी तारीफ। अब थोड़ी सी यार मेरी सब मेरी आंखों की तारीफ करें जो कभी किसी को नजर नहीं आती है एक्चुअली। बस आप हमारी आंखों से देखें ना, दिल से, आंखों से, दिमाग से, सिर्फ आप ही आप नजर आती हैं। जब आप टीवी पे आती है ना कोई नजर नहीं आता, क्योंकि आपकी जो एक्टिंग है ना बंदा उसमें खो जाता है। मैं खाना छोड़ देता हूँ, रोना छोड़ देता हूँ, सोना छोड़ देता हूँ, बल्कि जीना छोड़ देता हूँ। ज्यादा नहीं हो गई ये? समझा करो, अगली फिल्म साइन करवानी है। अच्छा अच्छा। भाई मुझे बिल्कुल इनकी हालत का जिम्मेदार ना ठहराया जाए। मेरी एक ख्वाहिश है जी, मैंने आपकी इतनी तारीफ की है जी, थोड़ी सी मेरी करते थोड़ी क्यों, बहुत सारी करती हूँ मैं, बस मेरे हिसाब से जितनी बनती है करते। भाई इस एनर्जी लेवल का एक्टर तो कोई एक काद ही है शायद। हाँ ये देखिए आपकी तबीयत में इतनी मुखलिसी है, इतनी आजिजी है,
जिस तरह आपने मेरी तारीफ की उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। एक्टिंग मुझे अगर सिखा देना आप यकीन करें मैं अमर हो जाऊंगा। इन सारी चीजों में उन्होंने ओवर नहीं कहा, सब कुछ ओवर है। नहीं ओवर तो मैं बैटिंग करते हुए करवाता हूँ। अरे यार दोनों आग, अब दोनों पापा को बहुत पहले तुम्हें आग कर देना चाहिए। मैंने आपको किस काम भेजा था भाई? खून खून है? खून किसका करना है? खून भाई हुकुम करो, सानिया नहीं आई है, किसी का भी खून कर दूंगा आज मैं, बोलो हुकुम करो। अरे जज्बात के देवे, अतिया 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 का नाम ना लेना भाई, अतिया का नाम नहीं लेना। मुझे होटल लेके गई और होटल में खाना खा के चली गई, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पूरी रात बर्तन धोए सानिया जी, छोटे छोटे हाथों से बड़े बड़े बर्तन कैसे मांजोगे सानिया जी? एक्चुअली मैंने इसलिए भेजा था कि आपका ब्लड लेकर आए। हमें सिर्फ दो ड्रिप में ब्लड देते हैं। Okay. मैं दो दो चम्मच के छोटे छोटे एंटी डॉट बनवाना चाहता हूँ नॉन एक्ट्रेस के लिए। हजारों लाखों का भला हो जाएगा, मुंबई कबीला बन जाएगा अच्छे अदाकारों का, वो छोटे छोटी ड्रिप पूरे बड़ा बड़ा फनकार बना देगी। आप यकीन करें, आप यकीन करें, मैंने बचपन में पोलियो के कतरे नहीं पिए, मैं आपके खून के कतरे पी के एक्टर बन जाऊंगा बड़ा, और मेरे खून के कतरे पी के वैम्पायर बन जाएंगे। बेटा अगर ऐसा होता तो हम सब ड्रैकुला के बच्चे होते। लेकिन सानिया जी मेरे साइंटिस्ट कई सालों से बैठे हुए हैं, आप हमें आज मिलिए, खून तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आज के इस खूबसूरत मौके से फायदा उठाया जाए और तुम कब हमारे काम आओगे भैया बताइए? हाँ जैसे कि थिएटर हो, टीवी हो, फिल्म हो, हर मीडियम में अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द बेस्ट, सो हमें भी कुछ ऐसी टिप्स दें कि हम भी यू नो कभी ज्यादा तो बेस्ट तरीका तो ये है कि दो चार एक्सरसाइजेस बता देते हैं ना। थिएटर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रीदिंग। ऐसे तो थोड़ी देर में मैं उठ जाऊंगा सानिया जी, कोई और भी एक्सरसाइज बताए ना, ब्रीदिंग तो मैं बहुत करता हूं। मैं ये देख रही हूं कि इतनी ब्रीदिंग मतलब उसमें भी काफी थोड़ा ओवर भाई ये आपकी ओवर निस्तार थोड़ा सा इन दोनों का थोड़ा थोड़ा खून निकालना पड़ेगा। यार मेरे तो तालियां बजाओ, ये तो एक और जगह तो बैठते मालिक किसी ने कभी सानिया जी से झुकते खाए हैं? अरे अरे अब चलना हमसे चलना। एक मिनट सानिया जी, एक मिनट, अगर आपकी आदत तो एक सेल्फी आपके साथ। पहले एक्टिंग सीख, अदाकारी सीख लो ताकि आगे जिनको सिखानी सिखा सके। या ब्रो यू आर राइट। अदाकारी का पहला उसूल है मुंह बंद रख के ऑब्जर्व करना, बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको इसकी। भाई मेरी दिहाड़ी तो सही है, तुम्हारी दिहाड़ी गई। ऑब्जर्व करना। मैं एक्टर बन गया भैया। अरे मैं एक्टर बन गया भैया। एक्टर मुंह बंद रख लेंगे तो डायलॉग कैसे बोलेंगे? जैसे दिल में सोचते हैं। एक्टर डायलॉग का मोहताज नहीं होता, लेकिन हम तो नॉन एक्टर है ना, हमें तो डायलॉग दें। नहीं मतलब आप चाह रहे हैं कि हम चार्ली वाली एक्टिंग करें? नहीं माइंड करें। नहीं नहीं मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं। सिचुएशन ये है कि आप दोनों का आपस में हुआ हुआ फड्डा और जज हमारी मौजूद है और लड़ाई हुई भी है आपकी, और हम डायरेक्ट शुरू करेंगे लड़ाई से, और आप लोगों की लड़ाई इस बात पर हुई है कि अब किसकी तरफ ज्यादा प्रॉपर्टी जाएगी, अब आप कैसे एक दूसरे को मैनिपुलेट करेंगे वो दिखाएं। और आपने कुछ बोलना नहीं है? हाँ बगैर बोले। मुझे लगता है मुझे लग रहा है ये गुटका खा के हो रहा है। लो, वो तो राजी हो गए दोनों। भाई एक मिनट, मेरा नाला खुल गया पीछे। आप बड़े एक्टर बन ही नहीं सकते, ये हार गया, ये बोल पड़ा। चलो भाई जस्ट वो है बताएंगे। भाई मेरा ख्याल ये है कि दोनों को ग्लूकोज की कमी की जरूरत है। कमी की जरूरत। थोड़ा थोड़ा खून आप दे जाएं। हमारी साइंटिस्ट करेंगे उसपे एक्सपेरिमेंट। करें मैं भाई मार दूं। अरे कोई देखे वो होता है ना कि एक एक्टर एक जुमला और बहुत सारी वैरायटियां। बहुत जोर से एक्टिंग आई हुई है क्या तुम वो नहीं हो?
मैं वो नहीं हूँ. मैं भी नहीं हूँ. आपने बोलना है क्या? तुम वो नहीं हो? अच्छा, मैंने बोलना है कि नहीं. क्या तुम वो नहीं हो? मैं बोल तो रहा हूँ कि तुम वो नहीं हो. हैरत से बोलना है. क्या तुम वो नहीं हो? क्या तुम वो नहीं हो? गुड. खुशी से बोलना है. क्या तुम वो नहीं हो? क्या खुशी थोड़ी ज्यादा होगी. सॉरी भैया, मेरी खुशी भी है. क्या तुम वो नहीं हो? भाई आप, मैंने आपसे दोनों नारा बना लिया भाई. गुस्से से क्या तुम वो नहीं हो? क्या तुम वो नहीं हो? हाँ, वेरी गुड. कॉपी मत करो मुझे. कॉपी क्यों करूं? मैं रजिस्टर कर रहा हूँ भाई. रजिस्टर क्या कर रहे हो? एक कॉपी कर रहे हो. अलग 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 बोला है. अलग अलग बोला. ये बात आप तजस्सुस से कैसे बोलेंगे? तजस्सुस इसके एक और मायने नहीं हो सकते. तजस्सुस को क्या कहेंगे? तजस्सुस को कहेंगे आप. आसान बताएं भाई. तजस्सुस खोजते हुए. खोजते हुए. हाँ. तजस्सुस क्या कहता है वो? नहीं हो देखा. इस वक्त ये पलड़ा जरा भारी चल रहा है मेरे भाई को मरवाने के लिए. कातिल छोड़ दो. आपके लिए खून दे के आए. वैसे आप लोग खून देते हैं? नहीं, ये अभी तो लहू पी रहे हैं. मैं मच्छरों को डेली खून देता हूँ क्योंकि वो मेरी सुनते ही नहीं आते, खून लेते चले जाते हैं. नहीं, लेकिन मैं सीरियस हूँ. क्या आप खून डोनेट करते हैं? आप अगर बिल्कुल हेल्थी हैं, सेहतमंद हैं, तो आपको साल में 2 दफा कम से कम जरूर खून डोनेट करना चाहिए. आप हेल्दी का तो पता नहीं, हम वेल्थी बहुत हैं. चलो भाई, तुम्हारा खून दिलवा के. लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बात तो अच्छी है. मैंने कहीं पढ़ा भी था और इन्होंने तो आज उस पे स्टैंप लगा दी. लेकिन उन्होंने खून की डोनेशन की बात की, लहू पीने की बात. लहू पीने की बात. लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, हमारे खून तो वही पी लेते हैं, बचता ही नहीं है कुछ. बहुत गलत फहमी है आपको. बहुत खून है आपके अंदर. है देखो भाई, जुगतों में मैंने अंदाजा लगाया कि वो भी बहुत पक्की है, इसलिए भाई. सने जी, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू ब्रो. थैंक यू सो मच. एक एक्टर है, उसका नाम पता क्या है? क्या? निकोलस केज. गोइंग टू वॉच. थैंक यू. कंटिन्यू द शो. ब्लड आफ्टर द हेलो. योर डैनिश बहुत आला, बहुत आला. एक्सीलेंट, एक्सीलेंट. कोई शेर याद है आपको, जो आपको बहुत, जिसकी मीनिंग भी हो? और हम यार, अभी आज पता नहीं सुबह मुझे ये शेर क्यों याद आया. चले सुनाइए. इरशाद. अभी गरानी है शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदा ओ दिल की घड़ी नहीं आई. वाह. चले चलो के वो मंजिल अभी नहीं आई. अरे खूबसूरत. चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई. मेरी दुआ है कि वो मंजिल जल्द आए. हाँ, आमीन. और हम सब के लिए, हम सब के लिए, हम सब के लिए, हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए. इस वक्त दुनिया में हम हंस बोल जरूर रहे हैं, लेकिन हम हंस बोल जरूर रहे हैं क्योंकि कितनी देर आप उस स्टेट में रह सकते हैं. लेकिन ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि एक बहुत बड़ी आबादी, मिलियंस ऑफ पीपल, वो उसी स्टेट में हैं महीनों से. जी. और ये बात देखने में लगता है बहुत दूर की है, लेकिन ये बात ये हमारी वक्त कभी भी किसी पे भी आ किसी सकता पे भी आ सकता है. ये बात हमारी भी हो सकती थी, हमारे बच्चों के बारे में भी हो सकती. एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी बात है. एब्सोल्युटली. सो ट्राई एंड बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री विद व्हाटएवर लिटिल यू कैन. अगर सिर्फ बात से हो सकते हो, मेक श्योर यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री. बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात है, बहुत जरूरी बात है. सानिया जी, आपका सफर जो हमने देखा अब तक, बहुत खूबसूरत. बहुत शुक्रिया आप अपनी चॉइसेस के लिए. थैंक यू. दिल से ये बात कह रहा हूँ आपको कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस ह्यूमन एक्सपीरियंस से जो गुजर रहा हूँ, मैं उस टाइम में गुजरा जिसमें आप थी. और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने वो सब कुछ देखा, सीखा, जिसकी वजह से मैं किसी काबिल हो सका. और आपका बहुत शुक्रिया. आपने जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया, जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी, लोगों के दिलों को छुआ, जिस तरह घर घर में आप मौजूद हैं, इसी तरह हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खूबसूरत किरदार करती रहें और शाइन करती रहें. आई लव यू. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आप आई. खवातीन हजरात, ये था मेरा आज का शो, द नॉक नॉक शो. हम मिलेंगे अगले हफ्ते नए गेस्ट के साथ.
इंशाल्लाह खुदा हाफिज। दिलों पे दस्तक देता हूँ, अपने मन की कहता हूँ, किसके दिल में कौन छुपा है ये राज पता कर लेता हूँ। ये मेरा स्टाइल है, बड़ा वर्सटाइल है, ये बात दिलों की बात यहाँ है सबके साथ यहाँ। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sports.